वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एज ग्लोबल सॉल्यूशंस। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को फिर लेकर आया हूँ वीके एंटरप्राइजेज में, जो कि सभी तरह के पावर टूल्स में ऑल इंडिया होलसेल में और उसके साथ साथ रिटेल में भी डील करते हैं। इनका एड्रेस आपको यहाँ पे स्क्रीन पे मिल जाएगा। हर बार की तरह एक यूनिक प्रोडक्ट बताने के लिए हमारे साथ यहाँ के ऑनर सार्थक भैया हैं। भैया स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। नमस्ते जी। भैया आज इस वीडियो में आप हर बार की तरह कौन सी लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं? इस बार भैया हम अपने व्यूअर्स को अगर अपने को 6 इंची दीवार काटनी है या 6 इंची गहरा कहीं पे भी काटना है, पत्थर में, मार्बल में, सरिये वाली दीवार में भी, तो हर जगह हम काम कर पाएंगे। हमारे पास ये वाली मशीन है जिसके अंदर 16 इंच का ब्लेड लगता है, जिससे हम आराम से, आपने कहीं पर पाइपिंग डालनी है जिसमें 6 इंची गहरा तक जाना है, आप इससे काम कर पाएंगे बहुत आसानी से। पानी के साथ मशीन चलती है ये और कहीं पे धुआं वगैरह नहीं उड़ता एंड चीज़ उसके लिए बहुत बढ़िया है काम करने के लिए। अभी इस मशीन को अनबॉक्स करते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर हमें क्या क्या मिलता है और ये मशीन कैसे ऑपरेट होती है। अभी हम इसे अनबॉक्स करते हैं। ये हमारी 16 इंच की मशीन है, इसके अंदर हम मैक्सिमम जो है 16 इंच का ऐसा ब्लेड लगा सकते हैं। ये वाला ब्लेड आपका मार्बल, ग्रेनाइट, सरिया और किसी भी तरह की दीवार, लेंटर वगैरह सब कुछ काट पाएगा। ये यहाँ पे ब्लेड लग जाता है, बेसिकली नट खोलते हैं, ब्लेड लग जाता है। अगर हमने इस वाली चीज़ को मूव भी कर सकते हैं, अभी जैसे जिसका पोजीशन जो है ये सबसे पोजीशन है कि आप खड़ा दीवार काट पाओगे, एंड अगर इसको हमने मान लो ये पहिए लगे हैं, अगर हमें ज़मीन पर भी चलाना है तो ये पोजीशन मूव हो जाती है। अभी वो करके दिखाएंगे आपको। यहाँ पे ये आपका नॉब दे रखा है, ये नॉब है, इसको मैं खोल दूंगा अगर तो आपका ये मूव कर पाएगा इजीली। इसको ऐसे पे यहाँ पे सेट करके अब मैं इसको नॉब को बंद कर दूंगा। अब क्या होगा, हमारा मशीन ज़मीन पे चल पाएगा। ज़मीन पे चलते हुए ऐसे हम चलाएंगे, आपका जितना भी वेट है सब ज़मीन पे चला जाएगा। और कई लोग कहते हैं भाई भारी मशीन है, हम काम नहीं कर पाएंगे, इतनी देर कैसे उठाएंगे, तो इसीलिए व्हील्स दे रखे हैं ताकि आपके हाथ में वेट नहीं आता। जैसे हम ट्रॉली खींचते हैं वैसे हम आसानी से काम कर पाएंगे, इससे आसानी से ये आगे चला पाएंगे एंड आपका मशीन अपने आप फिर इस से आगे जाएगा। पीछे कंपनी ने आपको मड गार्ड भी दिया हुआ है, जिससे आपका जब पानी के साथ कोई चलेगा ताकि धूल ना उड़े, कीचड़ वगैरह है जो धूल होगी वो आपकी यहाँ पे आके अटक जाए, आप गंदे ना हो। ताकि जो हमारी मशीन है ये अगर आप देख पाएंगे यहाँ पे 3200 वाट की मशीन है ये, 220 वोल्ट इंडिया में चलता है उसमें आराम से चलेगी, 4700 RPM की मशीन है, 16 इंच का ब्लेड इसके अंदर लग सकता है आराम से। अगर हम यहाँ पे देखते हैं हेवी मशीन है ये, यहाँ पे हमको पहले ये वाला बटन होता है, एक क्लच बोल सकते हैं इसको, बेसिकली ये दबाएंगे उसके बाद ये चीज़ दबाएंगे, नॉर्मल दबाएंगे तो नहीं चलेगा मशीन, ये दबाएंगे तभी मशीन चलेगा ऐसे करके। यहाँ पे कंपनी ने फ्यूज़ भी दिया हुआ है कि अगर मान लो बिजली आ रही नहीं आ रही यहाँ पे वो पता चल जाए, उसके बाद मशीन चला सकें। यहाँ पे अगर हम देखते हैं कंपनी ने वायरिंग बहुत अच्छी क्वालिटी की दे रखी है, साथ में वायरिंग के अंदर ही फ्यूज़ भी है, मान लो कभी करंट कम ज़्यादा हो जाता है तो यहाँ पे ही आपका ब्रेक हो जाएगा फ्यूज़ एंड आपका मशीन को नुकसान नहीं होगा। कंपनी साथ में आपको कार्बन वगैरह भी देती है, जिसके अंदर आपका एक कार्बन का सेट लगा हुआ है। यहाँ पे कार्बन लगाना बहुत आसान है, बस ये स्क्रू खोलेंगे, एक कार्बन बाहर आ जाएगा जो आपको पुराना होगा, नया कार्बन लगा लेंगे हम। कार्बन बेस वाली मशीन है, एक कार्बन का लाइफ आप लगभग 80 घंटे मान के चलें, 80 घंटे बाद आप कार्बन चेक करने लग जाएं, चेंज करने ज़्यादा बेटर है, उससे क्या होता है आपका मशीन का लाइफ अच्छा चलता है। अगर कार्बन खत्म हो गया और आप मशीन चलाते रहे तो दिक्कत होगा। कार्बन इसलिए कंपनी ने एक सेट साथ में दिया हुआ है और कंपनी ने साथ में पंप भी दिया हुआ है, बेसिकली पानी के साथ मशीन चलेगी। तो यहाँ पे आपका ये बेसिकली जगह है जहाँ पे पंप लग जाता है एंड यहाँ से पानी आपका अंदर डायरेक्टली आ जाएगा। कंपनी ने पाइप भी दे रखी है, ये एक तरफ यहाँ पे लगेगा, दूसरा सिरा यहाँ पे लग जाएगा जहाँ पे दिखाया आपको। जब हम काम कर रहे हैं तब सीधा पानी ब्लेड के ऊपर आएगा एंड आपका काम आसानी से हो जाएगा। एक ये छोटा सा पंप है ताकि आपका खड़ा पानी भी है कहीं पे, तो हम उससे आसानी से पानी दे पाएँ, काम कर पाएँ, धूल मिट्टी ना उड़े अपनी। साथ ही साथ कंपनी ने यहाँ पे वैक्यूम का भी फंक्शन दिया हुआ है, अगर किसी ने पानी नहीं चलाना तो यहाँ पे अपना वैक्यूम क्लीनर कनेक्ट कर सकता है इस एरिया से यहाँ पे ऐसे करके, एंड अपना वैक्यूम क्लीनर से क्या होगा, हम वैक्यूम उस तरफ चल रहा है, जितनी भी धूल मिट्टी यहाँ से उड़ेगी यहाँ से सारी उसके अंदर आ जाएगी। तो कंपनी ने दो तरीके दे रखे हैं, एक तो पानी वाला तरीका भी होगा ताकि धूल मिट्टी ना उड़े, दूसरा ये वैक्यूम वाला तरीका हो गया, तो उससे आपका वर्कर की भी हेल्थ को दिक्कत नहीं होती एंड अपना सफाई से काम हो जाता है। इसी साथ कमी ये भी आता है, ये बेसिकली इसका नीचे का स्टैंड है, इससे क्या होगा अगर ये मशीन जैसे 6 इंची तक गहरा जाती है, मुझे किसी जगह 6 इंची गहरा नहीं जाना, 4 इंची गहरा जाना है, तो हम इसको लगाएंगे एंड हम वहाँ पे इसको सेट कर पाएंगे। अभी आपको करके भी दिखाते हैं। अभी हम आपको इसमें ब्लेड लगा कर दिखाएंगे। ब्लेड लगाना भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है,
ये की साथ में आती है, ये की आप लगाओ और ये की लगाकर एलन की हमें मिलती है, एलन की से हम इसको खोल देंगे। इसका ब्लेड आता है और ब्लेड के साथ एक हमें वॉशर मिलता है जिसको हम यहाँ पर एडजस्टमेंट करते हैं। मैं अभी आपको ब्लेड लगाकर दिखाता हूँ, बहुत ही आसानी से आप ये ब्लेड लगा सकते हो। अभी भैया आपको इस मशीन की टेस्टिंग बताएंगे और आपको बताएंगे कि आप कौन कौन सी डायरेक्शन में इसको यूज़ कर सकते हो, उसके बाद हम आपसे बात करेंगे आप ये मशीन कैसे मंगा सकते हो अपने घर पे। बेसिकली अगर हम इसको ज़मीन पे चलाना है तो हम इसको एज इट इज़ ऐसे चला पाएंगे, जिससे क्या होगा कि बेसिकली आपका जितना भी वेट है मशीन का वो आपका सिर्फ सीधा सारा का सारा वेट जो है ज़मीन पर चला जाएगा, तो आपके हाथ में लोड कम आएगा। जैसे हम ट्रॉली आगे पीछे करते हैं बहुत ईजिली आप वैसे कर पाएंगे। ये सेम चीज़ अभी ज़मीन के लिए हो गया। अगर इंक्लाइन कर पे काम करना है हमने तो हम ये वाला नॉब हम घुमाएंगे, इसको हम इंक्लाइन पे काम कर पाएंगे, ठीक है। और अगर हमने पूरा खड़ी दीवार पे काम करना है तो हम इसको खोल देंगे, ऐसे करके हम इसको बंद कर देंगे एंड फिर हम खड़ी दीवार पे भी काम कर पाएंगे। एक बार इसको चला के दिखाते हैं हम आपको। अभी आपको ये मशीन चला कर दिखाएंगे ये मशीन किस तरह से चलती है। सिंपली आपको इसको उठाना है और यहाँ पे एक ट्रिगर है, ट्रिगर को दबाकर एक ध्यान दिया होगा आपने कि जब हमने ये स्विच दबाया तब मशीन ने स्लो स्टार्ट किया। स्लो स्टार्ट हमेशा बढ़िया मशीनों में और महंगी मशीनों में आता है। उससे क्या होता है कि जब भी मशीन पे एकदम हम स्विच दबाते हैं एकदम से लोड नहीं आता मशीन पे, आपको धीरे से मशीन ऑन होती है। धीरे से मशीन चलेगी तो उतना लाइफ अच्छा होता है मशीन का एंड उतनी ही महंगी मशीनों में ये मतलब फीचर आता है। अभी आपने इस कंक्रीट कटर, स्लैब कटर यानी कि छत और लेंटर काटने वाली मशीन की डिटेल इन्फॉर्मेशन ली। वीडियो में आपने देखा ये किस काम में आती है, क्या स्पेसिफिकेशन है और इसको कौन कौन यूज़ कर सकते हैं। डेफिनेटली ये वीडियो यहाँ तक देखने के बाद आपको भी लग रहा होगा कि आपकी ज़रूरत की चीज़ है। अब हम आपसे बात करेंगे कि आप इस मशीन को कैसे खरीद सकते हो। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दो नंबर दिख रहे हैं, पहला ये नंबर और दूसरा ये नंबर। अगर आपको एक या दो पीस लेना है अपने खुद के यूज़ के लिए तो आप हमारे इस वाले नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। एक और दो पीस के हम आपको ऑल ओवर इंडिया में आपके घर पे डिलीवरी देंगे। हमसे मशीन खरीदने का आपको ऑफर बोल लो या बेनिफिट बोल लो, वो बेनिफिट क्या मिलेगा। बेसिकली ये जो ब्लेड होता है ये ब्लेड 2,000-2,500 की कॉस्टिंग का आता है, जो आप कोई भी मशीन ले लो मशीन के साथ नहीं आता है। अगर आप हमसे ये मशीन खरीदते हो हम आपको मशीन के साथ ये कटिंग ब्लेड फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। अगर आपको एक्स्ट्रा ब्लेड्स लेने हो तो भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। किसी के पास मशीन पड़ी है उसको और ब्लेड्स की जरूरत है अब आज तो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमसे ब्लेड्स ले सकता है। और ये जो दूसरा नंबर है ये नंबर है बल्क के लिए। अगर आप 5 पीस 10 पीस 12 पीस या और भी ज़्यादा क्वांटिटी में ये पीस लेना चाहते हो या आप हमारी दुकान पर आकर होलसेल में सामान लेना चाहते हो तो आप इस वाले नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। उसका प्रोसेस भैया आपको बताएंगे कि आप होलसेल में कैसे सामान हमसे खरीद सकते हैं। बेसिकली भैया अगर आपको घर बैठे बैठे सामान चाहिए तो आप डिलीवरी के लिए जैसे भैया ने बताया इस वाले नंबर पे कॉल कर दीजिए। अगर आपको जैसे होलसेल में चाहिए, आप एक बार दुकान आना चाहते हैं तो पहले हमने आपको एड्रेस भी दिया है, फिर भी आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप करेंगे आपको अपना विजिटिंग कार्ड भेजेंगे, आप बताएंगे हाँ मैं दुकान आना चाहता हूँ, आप अपना अपॉइंटमेंट फिक्स कर लीजिएगा, मैं इस टाइम पर आऊँगा, हम आपके लिए बैठे हैं एंड आपको चीज़ भी दिखाएंगे एंड और क्या 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 होता है हमारे पास वो भी दिखाएंगे। आपका जो बाइंग प्रोसेस है वो ये रहेगा होलसेल के लिए कि आपको चीज़ दिखाई जाएगी, ये चीज़ होगी वीडियो के अंदर जैसे जो चीज़ दिखाई है, आप उसके लिए अपना एड्रेस देंगे कि आप कहाँ से बोल रहे हैं, आपको टोटल बताया जाएगा कि आपके टोटल माल का ये टोटल हुआ है, आप उसके लिए पेमेंट करेंगे एंड जोन से आप ट्रांसपोर्ट बोलेंगे उसकी आपको बबिलिटी जो है LR कॉपी जिसको बोलते हैं वो आपको 24 घंटे के अंदर मिल जाएगी। हमारा आपको ये कमिटमेंट है अगर आपने कोई भी चीज़ का ऑर्डर दिया है 24 घंटे के अंदर डिस्पैच की गारंटी है हमारी तरफ से। इसी के साथ ये वीडियो हम यहाँ पर एंड करते हैं और आप लोगों से मिलते हैं अगली एक और वीडियो में।